गुड आफ्टरनून बेटा। तो आज हम लोग को केमिकल बॉन्डिंग का डाउट सेशन रखना है। कुछ बच्चों ने डाउट भेजे थे और बाकी कुछ मैंने अपनी तरफ से इंक्लूड कर लिए। तो ओके, देखो स्टार्ट करते हैं। एक रितिका ने डाउट भेजा था कि हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो देखो, जहां भी हेट्रो वर्ड आएगा, किसी और के डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख सकता है, अगर इंक्लूड कर सकता हूंगा तो कर लूंगा। जहां भी हेट्रो वर्ड आएगा, हेट्रो का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म, जहां सिमिलैरिटीज ना हो, और जहां भी होमो मतलब आएगा उसका मतलब यूनिफॉर्म। तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज्यादा टाइप के एटम है, उसमें एक से ज्यादा एटम्स के न्यूक्लियस भी होंगे, तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं हेट्रोन्यूक्लियर। ठीक है, लेकिन जब तुम एमओटी पढ़ते हो तो इसमें तुम्हें सिर्फ डायटॉमिक मॉलिक्यूल पढ़ने हैं। तो एमओटी में अगर हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड जिसमें दो एटम है, नाइट्रिक ऑक्साइड जिसमें दो एटम है, ऐसे एटम तुम्हारे सामने आएंगे, ऐसे मॉलिक्यूल। समझ में आई बात? तो हेट्रोन्यूक्लियर में मेनली हमारे पास ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल आते हैं, और इन पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर के आते हैं। वो डायरेक्टली तुम बता सकते हो बिना कॉन्फ़िगरेशन के कि 14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर 3, 15 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5। ठीक है, पूल कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन बनाना बता दूंगा। तो हेट्रोन्यूक्लियर समझ में आ गया क्या होता है? छोटा सा टर्म है, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज्यादा टाइप के न्यूक्लियस हो। लक्ष्य, ऐसा कोई भी फोर्स जो फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करे बट केमिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट ना करे, उसे हम फिजिकल इंटरेक्शन बोलते हैं। जैसे वैंडरवॉल फोर्स आएंगे चैप्टर 5 में, फिजिकल इंटरेक्शन हम चैप्टर 5 में देखेंगे। जैसे डाइपोल फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया हुआ है, थर्मल एनर्जी या थर्मल की वजह से फोर्स। तो ऐसे फोर्सेस जो मॉलिक्यूल की फिजिकल स्टेट पे इफेक्ट डालें, सॉलिड लिक्विड गैस, इन सब पे इफेक्ट डालें लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट नहीं डालते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल इंटरेक्शन। कीर्ति, डायटॉमिक जिसमें दो एटम हो, तो डायटॉमिक का मतलब जिसकी एटॉमिसिटी 2 हो। जैसे H2 को कहा जाएगा होमो न्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो इसलिए क्योंकि यहां पे दोनों न्यूक्लियस हाइड्रोजन एटम के। या O2 होगा तो होमो न्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल। Cl2 होमो न्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल। लक्ष्य, इन सबको हम चैप्टर 5 में समझेंगे, अभी इनके बारे में डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है। चैप्टर 5 में इन सारे फोर्सेस को बताया जाएगा। डाइपोल मूवमेंट में डाउट था, कहां की थी? ऊपर वाले में दो डिफरेंट न्यूक्लियस कहां है? CO2 में टोटल 3 न्यूक्लियस है, टोटल 3 एटम है। तो हेट्रो तो ये भी है बट ये ट्राईएटॉमिक है। हेट्रोन्यूक्लियर तो ये भी है बट ये ट्राईएटॉमिक है, बिकॉज यहां पे टोटल एटम 3 है। इन दो ये दोनों होमो न्यूक्लियर हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक है। CO और NO ये तुम्हारे हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये हेट्रोन्यूक्लियर ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हेट्रो वर्ड का मतलब एक से ज्यादा टाइप के एटम हो, और डायटॉमिक का मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम 2 हो। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट या पोलैरिटी की बात की जाती है, तो पोलैरिटी किसी मॉलिक्यूल में या किसी बॉन्ड में क्या डाउट है कीर्ति, बताओ।
इस बात में डाउट क्या है? कीर्ति डाउट बताओ, क्या डाउट आ रहा है इसमें? क्योंकि कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट सा टर्म नहीं है। सिंपल सी ये बात है कि हेट्रो न्यूक्लियर अगर है, तो हेट्रो वर्ड का मतलब है एक से ज्यादा टाइप की चीजें होना, अलग अलग तरह की चीजें होना। तो जहां भी एक से ज्यादा तरह के एटम होंगे वो हेट्रो न्यूक्लियर है। और डायाटॉमिक वर्ड का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ एटम दो हो, दो टाइप के एटम और टोटल दो एटम, हेट्रो न्यूक्लियर डायाटॉमिक। दो टाइप के एटम टोटल दो एटम, हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक। इसमें भी दो टाइप के एटम है तो ये भी हेट्रोन्यूक्लियर तो है सॉरी, लेकिन यहां पे टोटल नंबर ऑफ एटम तीन है, तो टोटल एटम तीन है तो उसे ट्राईएटॉमिक कहा जाएगा। समझ में आई बात की थी? ऐसा कोई यूज नहीं है, बस मॉलिक्यूल्स को कैटेगराइज करने के लिए नाम दिए जाते हैं, ऐसा कोई यूज नहीं होता इसका। कौन सा चैप्टर कब फिनिश होगा कंचन? समझ में आ गया कीर्ति? कंचन कौन सा चैप्टर कब फिनिश होगा? तो देखो, जब हम कहते हैं कि H2 मॉलिक्यूल या कोई भी होमोन्यूक्लियर है, अब वर्ड डिफाइन कर दे तो इसको लेके चलते हैं। होमोन्यूक्लियर मतलब दोनों न्यूक्लियस सेम एटम के हैं। अभी तो शुरू ही नहीं किया डाइपोल। अगर दोनों एटम सेम नेचर के हैं, सेम हैं दोनों न्यूक्लियस, उस केस में जब बॉन्ड बनेगा तो जो भी ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है या जो भी ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको हम डेंसिटी से पढ़ते हैं, चार्ज की डेंसिटी, ये दोनों एटम के बीच में इक्वली डिवाइडेड होगी क्योंकि दोनों के न्यूक्लियस सेम अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। ऐसे भी समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन अपना 50% टाइम लेफ्ट वाले न्यूक्लियस में स्पेंड करेगा तो 50% टाइम ही अपने राइट वाले न्यूक्लियस में स्पेंड करेगा, ठीक है, जब होमो न्यूक्लियर होंगे। बट अगर वही एटम या वही मॉलिक्यूल हेट्रोन्यूक्लियर हुआ, अगर ये एटम हमारा हेट्रोन्यूक्लियर हुआ, यानी इसमें दो अलग अलग टाइप के एटम हुए, अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस हुए, जैसे HCl, तो उस केस में क्या होगा कि कोई एक न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल करेगा, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू पुल द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो हेट्रोन्यूक्लियर के केस में जब कोई एटम या न्यूक्लियस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अगर पुल करेगा तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन उस वाले न्यूक्लियस में ज्यादा मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी भी ज्यादा मिलेगी, या ये कह सकते हो कि अब की बार इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर नहीं होंगे, ज्यादा टाइम यहां बिताएगा, कम टाइम इस वाले न्यूक्लियस में बताएगा, ठीक है। तो इस वजह से जिस एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी उस एटम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी या इलेक्ट्रॉन का पोर्शन ज्यादा होगा, इसकी वजह से वो एटम निगेटिव हो जाएगा और दूसरा एटम पॉजिटिव,
बट इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हुए, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुए, तो जो चार्ज आएगा वो भी हमारे पास पार्शियल नेचर का आएगा, समझ में आई बात, चार्ज कंप्लीट नहीं आएगा, पार्शियल आएगा, पार्शियल मतलब इनकम्प्लीट चार्ज। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है पोलर, और ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है नॉन पोलर, समझ में आई बात, पोलर नॉन पोलर। पूल थ्योरी अगर केमिकल बॉन्डिंग की आती है तो क्वेश्चन फिर प्रैक्टिस से आएंगे, अगर थ्योरी आने के बाद भी क्वेश्चन नहीं हुए तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछो, फिर उसका मेथड बताया जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग मैंने स्टार्टिंग जब की थी चैप्टर की तब भी बताया था कि ये ऐसा चैप्टर है जिसको 1 महीने तक भी पढ़ाया जा सकता है, 2 महीने भी पढ़ाया जा सकता है, इसमें इतने कॉन्सेप्ट, इतने फैक्ट्स, इतने लॉजिक है। तो 11th लेवल पे हो सकता है तुम कोई लॉजिक अभी मिस कर रहे हो या तुम्हें पढ़ाया ना गया हो, तो इसलिए जो भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है वो क्वेश्चन पूछो, बताया जाएगा। और पोलैरिटी को मेजर करने के लिए एक प्रॉपर्टी डिफाइन की गई, इसको बोला गया डाइपोल मोमेंट। तो बेसिकली डाइपोल मोमेंट बताता है किसी मॉलिक्यूल में कितनी पोलैरिटी आई है। क्या हुआ लाइट रॉयल? अच्छा, अगर मोल कॉन्सेप्ट के नहीं हुए तो पूल वो भी क्वेश्चन पूछो, तरीका बता दूंगा। मोल कॉन्सेप्ट के अगर नहीं हुए तो वाले क्वेश्चन में पूछो, उनका तरीका बता दूंगा। जैसे अगर यहां पे प्लस एक्स चार्ज है, यहां पे माइनस एक्स है, तो मोमेंट होगा एक्स, कोई सा भी एक चार्ज ले लो, और दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन। मॉलिक्यूल में जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी, पोलैरिटी मतलब ये वाला जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा दूसरे के कंपैरिजन में, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना ज्यादा चार्ज आएगा, और जितना ज्यादा चार्ज आएगा उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट आएगा। तो डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड से ये मेजर करते हैं कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर है, कौन सा मॉलिक्यूल कम पोलर है, क्योंकि यहां से हम सिर्फ पोलैरिटी बता पाएंगे कि पोलर है या नहीं है। बट अगर दो मॉलिक्यूल है, पता करना हो कौन सा ज्यादा पोलर है कौन सा कम, उसके लिए लेते हैं डाइपोल मोमेंट। जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा वो ज्यादा पोलर, जिसका डाइपोल मोमेंट कम वो कम पोलर। आई बात समझ में? कोई नॉन पोलर होगा तो उसमें चार्ज आएगा ही नहीं, तो डाइपोल मोमेंट जीरो। डिस्टेंस एक्सपेरिमेंटली फाइंड की जाती है, उसे हम क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं, उसके मदद से डिस्टेंस फाइंड की जाती है। ये तुम्हें अभी फाइंड नहीं करनी, क्वेश्चन में दी होगी या किसी और तरह से निकाली जाएगी। ये बॉन्ड लेंथ फाइंड की जाती है एक्सपेरिमेंटली। हाँ, डी इन दोनों बॉन्ड के या दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। डाइपोल मोमेंट की एसआई यूनिट होगी कूलम, बिकॉज चार्ज की एसआई यूनिट कूलम, डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर। बट मॉलिक्यूल में चार्जेस कम होते हैं तो हम एक छोटी यूनिट यूज करते हैं जिसको डिबाय बोलते हैं। चार्ज इन दोनों में से किसी का भी ले सकते हो, दोनों पे इक्वल चार्ज होगा, क्योंकि ये वाला जितना खींचेगा ये वाले के पास उतना ही कम होगा। तो किसी भी एक के चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, एक्स सी आएगा दोनों के ऊपर मैग्नीट्यूड, सिर्फ साइन अलग होगा। एक पे प्लस आएगा तो दूसरे पर उतना ही माइनस आएगा, तो चार्ज में किसी भी एक का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। जैसे मैंने एक्स का सिर्फ वैल्यू रखी है, साइन नहीं रखना है। और छोटी यूनिट डिबाय में 3.3 into 10 to the power minus 30 कूलम मीटर होते हैं। आई बात समझ में? सबको क्लियर है यहां तक की बात है? तो डाइपोल मोमेंट का मेन पर्पस है पोलैरिटी को कंपेयर करना, ज्यादा डाइपोल मोमेंट ज्यादा पोलैरिटी। पूल तीन डिफरेंट एटम में तीन टाइप के बॉन्ड होंगे, अगर एटम तीन हुए तो उनमें बॉन्ड भी तीन टाइप के होंगे। कीति, जैसे 1 सेंटीमीटर में तुम याद रखती हो कि 1 सेंटीमीटर में 10 to the power minus 2 मीटर होते हैं,
जैसे सेंटीमीटर तब यूज करते हैं जब छोटी डिस्टेंस मेजर करनी हो, मीटर तब यूज करते हैं जब बड़ी डिस्टेंस मेजर करनी हो, वैसे ही कूलम मीटर तब आता है जब डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो। मॉलिक्यूल्स के लिए आता है वो, बड़े साइज के बॉडी के लिए आता है। डिबाई छोटी यूनिट है, जैसे मीटर से छोटी यूनिट सेंटीमीटर मिलीमीटर, और कन्वर्जन फैक्टर याद रखने वाली बात होती है। ठीक है, वन पॉइंट सेवन के आसपास होता है लाइट ऑयल, 1.7 के आसपास डिबाई में। और डाइपोल मोमेंट की एक डायरेक्शन भी ली जाती है, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ लेते हैं। तो जब भी बहुत सारे एटम होंगे, मान लो ये वाला मॉलिक्यूल है ओजोन, ओजोन नहीं लेते हैं क्योंकि यहां तो सारे एक ही जैसे एटम है, मान लो अमोनिया है, तो अगर एक से ज्यादा एटम है तो उसमें हर बॉन्ड को अलग अलग देखा जाएगा। एन और एच में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताया था याद रखना है, फोन पे नकल बाहर इश्क पहलवान, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी याद रखना होता है। तो अमोनिया की अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, एक डाइपोल बनेगा नाइट्रोजन की तरफ। इसमें भी नाइट्रोजन अपनी तरफ खींचेगा, एक डाइपोल बनेगा नाइट्रोजन की तरफ। इसमें भी नाइट्रोजन अपनी तरफ खींचेगा, एक डाइपोल बनेगा नाइट्रोजन की तरफ। और यहां भी एक डाइपोल बन जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच में भी कुछ चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो लोन पेयर का डाइपोल हमेशा लोन पेयर की तरफ बनता है। यहां पे एन है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल का साइन है, एन और सीएल में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एन होता है। तो अब यहां पे देखो कि वेक्टर समेशन लेना होगा तुम्हें, तो हम अप्रोक्सीमेटली देखते हैं कि तीनों वेक्टर अगर ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो इन तीनों का समेशन ऊपर की तरफ कुछ आएगा, क्या आएगा वो नहीं पता लेकिन ऊपर की तरफ आएगा। और ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो नेट डाइपोल मोमेंट ऐड होके मिल जाएगा। समझ में आई बात? तो एक से ज्यादा एटम या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसके लिए अलग अलग बॉन्ड का डाइपोल देखा जाएगा, देन उस डाइपोल की मदद से नेट डाइपोल मोमेंट निकाला जाएगा। सबको क्लियर? ऐसे ही कुछ मॉलिक्यूल ये भी होते हैं, कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आएगा। नई लाइट वो फिजिक्स में होता है, केमिस्ट्री में डायपोल प्लस से माइनस की तरफ डायरेक्शन ली जाती है, ये लिखा हुआ है। लक्ष्य देखो, ये तुमने पढ़ा होगा कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा उनके बीच में आता है, एंगल कुछ भी हो सकता है लेकिन दोनों वेक्टर के बीच में ही कहीं पे होगा, डायरेक्शन का और कोई तरीका नहीं, फिजिक्स में वेक्टर आना चाहिए अच्छे से, शॉर्टकट नहीं चलते हैं, तो वेक्टर अच्छे से पता होना चाहिए। धीरज, तुम्हारे डाउट के लिए भी तुम्हें वेक्टर एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा उनके बीच में कहीं मिलता है। अब देखो ये तीन वेक्टर है अमोनिया में, दिख रहे हैं सबको, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो भी तो कहीं बीच में कहीं आएगा, या तो इधर की तरफ या इधर की तरफ आएगा, तो कहीं बीच में ही। जैसे तीन वेक्टर है, वेक्टर 1, 2 और 3, तो 1 और 2 का रिजल्टेंट उनके बीच में कहीं आएगा, तो मैंने ऐसा कुछ मान लिया 1 और 2 का रिजल्टेंट, बचा 3। ठीक, अब इन दोनों का रिजल्टेंट भी इनके बीच में कहीं आएगा, तो मैंने बीच में कहीं यहां पे मान लिया, तो 1, 2 और 3 तीनों का रिजल्टेंट बीच में कहीं ऊपर की तरफ आएगा,
जो ही नहीं बिल्कुल सीधा हो लेकिन रहेगा तो ऊपर ही ना, इससे पता चुकिया और वो यहां पे दिखा दिया। समझ में आई बात? तो ये तुम्हें वेक्टर का रिजल्टेंट देखना होगा, एक साथ नहीं देख पा रहे हो तो दो दो के पेयर में देखो। अब यहां पे अगर तुम देखो CO2 में दोनों बॉन्ड एग्जैक्टली सेम है, दोनों एटम एग्जैक्टली सेम है, तो ये दोनों डाइपोल मोमेंट भी इक्वल होंगे। दो वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और नेट डाइपोल मोमेंट जीरो। यानी ये वाला बॉन्ड पोलर है, ये वाला बॉन्ड भी पोलर है, बट पूरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। डायरेक्शन का यूज यहां पे हो रहा है, देखो डायरेक्शन की वजह से तुम्हें चीजें पता चल रही हैं कि दोनों के बॉन्ड पोलर है, बट हम पूरे मॉलिक्यूल को पोलर नहीं बोलेंगे, पूरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर की कैटेगरी में आएगा। और आगे चल के ये पोलर नॉन पोलर हर जगह यूज होंगे। सबको समझ में आई बात? कन्वेंशन अलग हो सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के। क्लियर है? CO2 वाला ऐसे ही एक और देखो H2O। तो H2O में लोन पेयर का डाइपोल हमेशा लोन पेयर की तरफ, लक्ष्य पोलैरिटी बॉन्ड की भी होती है और पोलैरिटी पूरे मॉलिक्यूल की भी देखते हैं। बॉन्ड की पोलैरिटी में सिर्फ उस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट देखेंगे और पूरे मॉलिक्यूल के लिए नेट डाइपोल मोमेंट देखा जाए। तो पोलैरिटी दोनों चीजों के लिए आती है, दोनों ऊपर की तरफ है तो इनका रिजल्टेंट कहीं बीच में ही आएगा। इनके ऐसे बना लिया मैंने एग्जैक्टली, तुम्हें वैल्यू नहीं चाहिए, तुम्हें बस ये देखना है कि जीरो आ रहा है या नॉन जीरो आ रहा है, सिर्फ इतना देखना होता है। लोन पेयर भी दोनों ऊपर की तरफ है तो इनका रिजल्टेंट भी बीच में कहीं आएगा, यहां कहीं बना लिया। अब दिख ही रहा है कि ये एड होने वाले हैं तो इनका नेट रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा, यहां कहीं। आई बात समझ में? तो नेट डाइपोल मोमेंट के लिए तुम बॉन्ड्स का या डाइपोल्स का रिजल्टेंट लोगे। कीती वैल्यू नहीं निकाल सकती हो तुम नेट डाइपोल मोमेंट के, उसके लिए तुम्हें हर डाइपोल मोमेंट और उनके बीच का एंगल पता होना चाहिए। हम सिर्फ यहां पे ये बता सकते हैं कि नेट जीरो आएगा या नॉन जीरो। जैसे H2O में हमें दिख रहा है कि नेट डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो नॉन जीरो है, जबकि CO2 में दिख रहा है कि नेट डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो गया इसलिए जीरो आया। तो हम सिर्फ ये देख सकते हैं, कोई भी सिमेट्रिकल ज्योमेट्री हो, सिमेट्रिकल मतलब सारे बॉन्ड्स इक्वल इक्वल एंगल पे हो, तो किसी भी सिमेट्रिकल ज्योमेट्री में नेट लेने पे हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि सिमेट्री की वजह से सारे डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। नहीं, न्यूमेरिकल इसके 11th में नहीं है, इसके न्यूमेरिकल 11th में नहीं है और सिमेट्री की वजह से यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आई बात? PCl5 सिमेट्री है, कैंसिल आउट हो जाएगा। बताया था लोन पेयर का डाइपोल कैसे होता है? लोन पेयर बेसिकली इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज, एटम यानी कि उसका न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डाइपोल मिल जाएगा। लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन ही ना, चाहे बॉन्ड पेयर हो चाहे लोन पेयर, एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, डाइपोल मिल गया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। PCl5 का जीरो या फिर BF3, हाँ CH4 का भी जीरो आएगा, BF3 का भी जीरो, जितने भी सिमेट्रिकल हैं जीरो,
लेकिन एक भी एटम चेंज हो गया, सिमेट्री एक भी हट गई, तो नेट जीरो नहीं होगा। अब हमें पता चल गया कि यहां पे नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, ये वाला मॉलिक्यूल पोलर होगा, बट ये वाला पूरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। कोई बात नहीं लाइट रॉयल, समझ में आई बात? कीर्ति बताता हूं, जीरो और नॉन जीरो के लिए तुम डाइपोल का रिजल्टेंट लोगी। अगर सारे डाइपोल मोमेंट इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो कैंसिल आउट होके जीरो देंगे, अगर डाइपोल मोमेंट इक्वल नहीं है तो जीरो नहीं आएगा, अगर डाइपोल मोमेंट इक्वल नहीं है तो जीरो नहीं आएगा। लक्ष्य ओजोन में लोन पेयर की वजह से आता है, जो ओजोन का ये लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, इसकी वजह से नेट डाइपोल मोमेंट मिल जाता है थोड़ा सा। नहीं पूल, नॉन सिमेट्रिकल में जीरो नहीं होता है, नॉन सिमेट्रिकल में जीरो नहीं होता है। सबको क्लियर हुआ डाइपोल वाली बात? और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उतना ज्यादा पोलर होगा, और जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर होगा। ये भी बताया हुआ है कि डाइपोल मोमेंट या पोलैरिटी की वजह से बॉन्ड के अंदर पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर आ जाता है, तो जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी उतना ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर आएगा। इस वाले में देखो, सीएल वाले जो ये तीनों हैं, ये कैंसिल आउट कर देंगे, क्लोरीन का ज्यादा होगा क्लोरीन का कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तो फ्लोरीन का ज्यादा होगा तो नेट डाइपोल मोमेंट फ्लोरीन वाले की तरफ आएगा। ये तीनों सीएल सिमेट्रिकल एक ही प्लेन में है, कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से BF3 की तरह, तो ये तीनों सीएल कैंसिल हो गए, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, तो फ्लोरीन वाला ज्यादा होगा बड़ा वेक्टर होगा, क्लोरीन वाला छोटा वेक्टर होगा, तो हमेशा अपोजिट में बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, या इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो बड़े वाले की तरफ आएगा। तो PCl4F में डाइपोल मोमेंट फ्लोरीन वाले बॉन्ड की तरफ दिखाई देगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को अभी भी? डाइपोल मोमेंट में कोई डाउट है किसी को अभी भी? हो तो बताओ। ठीक है, देखो तो रेजोनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आएगा। रेजोनेंस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल के अंदर एक डायनेमिक नेचर आ जाता है। कीर्ति बताया था जीरो नॉन जीरो कैसे देखेंगे? कीर्ति अभी तो बताया कि जीरो या नॉन जीरो कैसे देखेंगे, क्या दिक्कत आ रही है उसमें? जब तुमने कहा था उसके बाद ही फिर से बताया था, सिमेट्री से देखोगे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाओ, चाहे वेस्पर थ्योरी से चाहे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, उस स्ट्रक्चर के बाद हर एक बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट दिखाओ। अगर सिमेट्री दिख रही है मॉलिक्यूल में, रियल लाइफ वाला क्या? रियल लाइफ वाला कोई डाउट आया नहीं की थी तुम्हारा? हाँ, हाइब्रिडाइजेशन भी ऐड कर रखा है पूल, वहां तक पहुंच गए तो जरूर बताऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जब पाई बॉन्ड की तरह मूव करता है तब हम उसे बोलते हैं डायनेमिक मॉलिक्यूल। इसके लिए जैसा कि मैं कार्बोनेट आयन की बात करूं, देखो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन को भी समझ लेते हैं। हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी डाइपोल हम स्ट्रक्चर से ही देखेंगे।
तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए, क्योंकि रेजोनेंस तब तुम आसानी समझ जाओगे अगर तुम्हें स्ट्रक्चर पता होगा, हम आउटर मोस्ट शेल बनाते हैं। जैसे यहां पे आउटर मोस्ट शेल सेकेंड शेल है, ये हाइब्रिडाइजेशन का पहला स्टेप। अभी इसके रियल लाइफ के फायदे को समझ नहीं पाओगी। उसके बाद हम एक्स निकालते हैं 3, और जितना एक्स आता है उतनी ऑर्बिटल को एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें पता चल जाता है कि जितना एक्स आया है उतनी ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी। तो इस बात को याद रखने के लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे जितने सराउंडिंग एटम है, ये अगला स्टेप, यहां पे जितने सराउंडिंग एटम है उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बॉक्स के अंदर, जो अब बॉक्स हमने बनाया है। तीन सराउंडिंग एटम है, 2- है, तो यहां पे हमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी एक ही है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को आगे भेज दिया, 1, 2, 3, तो यहां पे 2 थे ना, एक और आगे चला गया, इसका एक्साइटेशन यहां पे करा दिया। नहीं, अभी इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा, रियल लाइफ के बारे में अभी कोई डिस्कशन नहीं। पहले मुझे ये बताओ, साइन थीटा का रियल लाइफ में क्या फायदा होता है? साइन थीटा का रियल लाइफ में फायदा बताओ कीर्ति। अब जो भी ऑर्बिटल बॉक्स के अंदर है उनमें मिक्सिंग हो जाएगी, और क्योंकि एक एस दो पी ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई इसलिए सब बोलते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन तीनों ऑर्बिटल को बोलेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक पी इलेक्ट्रॉन या पी ऑर्बिटल बच गई। पूल समझ में आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन यहां तक? देखो रियल लाइफ में फायदा मैं बता सकता हूं इसका भी, बट उसके लिए मुझे तुम्हें बहुत सारी चीजें भी बतानी पड़ेंगी। तो अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें पढ़ने के लिए पढ़नी है, फिर धीरे धीरे पता चलेगा रियल लाइफ में क्या फायदा है। एक बार हमें ये हाइब्रिडाइजेशन मिल गया, सराउंडिंग एटम को भी देख लो, 2s2 2p4, कोई बात नहीं। बस अभी इसका फायदा ये है कि इसके थ्रू तुम जेई या नीट का एग्जाम क्लियर कर सकते हो डाइपोल मोमेंट के थ्रू। तो अभी इन सब पढ़ाई का ये फायदा है तुम्हारे लिए कि एग्जाम क्लियर करके अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। अच्छे कॉलेज में जाओगे तो अच्छे कॉलेज के तो बहुत फायदे हैं। अब देखो तुम्हें उन ऑर्बिटल्स को देखना है जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास sp2 यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर, 3 ऑर्बिटल। पहले सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखाते हैं। ऑक्सीजन के पास ऐसी 2 ऑर्बिटल हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों ऑक्सीजन एक एक ऑर्बिटल के थ्रू बॉन्ड बना लेंगे। समझ में आई यहां तक की बात? यहां तक सबको समझ में आ गया कार्बोनेट आयन में सिग्मा बॉन्ड कैसे बने? सबको समझ में आया यहां तक? अब ये समझो कि तीनों ऑक्सीजन की सिर्फ एक ऑर्बिटल यूज हुई है, तो तीनों ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है और कार्बन के पास भी एक पी इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो कार्बन अपने इस एक इलेक्ट्रॉन की मदद से इन तीनों में किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। ऐसी जगह पे डायनेमिक नेचर आता है
जहां पे तुम्हारे पास एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो पाई बॉन्ड बनने की। तो फिलहाल के लिए तुम रेजोनेंस में ये बात समझ सकते हो। तो इसीलिए जितना ज्यादा मॉलिक्यूल को तुम हाइब्रिडाइजेशन पूरा पूरा निकालोगे उतना ज्यादा आसान होगा तुम्हें इस चीज को समझने में। ठीक है, क्योंकि अगर अब तुम देखो तो कार्बन इन तीनों में से किसी के साथ भी पाई बॉन्ड बना सकता है, लेकिन एक ही के साथ बना पाएगा। तो इसी वजह से कार्बन के इस मॉलिक्यूल में आ गया डायनेमिक नेचर, कि कार्बन अगर इस वाले के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन के लिए ये -2 का चार्ज यूज होगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। फिर कार्बन को क्या करेगा, इस वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो इलेक्ट्रॉन इन दोनों के पास मिल जाएंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में, समझ में आया सबको यहां तक, ये हटा दूं, ऐसे मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा जगह पे पाई बॉन्ड बन सकते हैं। यहां भी बना सकते हो, ये वाला ऑक्सीजन भी बना सकता है और ये वाला ऑक्सीजन भी बना सकता है। तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसके लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल हो उसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल, कि ये तीनों स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, देखते कौन सा स्टेप 3। स्टेप 3 में मैंने कार्बन की ऑर्बिटल की मिक्सिंग करवाई थी। मिक्सिंग के बाद मिला वो sp2 हो गया था, जो बचा था वो p ऑर्बिटल हो गया था, और ऑक्सीजन का सिंपल कॉन्फ़िगरेशन किया था 1s2 2s2 2p4। स्टेप 3 में तो ये काम किया था। साकेत सत्यम, दो बॉन्ड बने हैं, एक कोवेलेंट एक आयोनिक, एक कोवेलेंट एक आयोनिक, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हुआ है, बस पाई बॉन्ड नहीं बना है। बाकी हर ऑक्सीजन ने भी दो बॉन्ड बनाए हैं, बस वो दोनों कोवेलेंट नहीं बनाए, एक कोवेलेंट है एक एक आयोनिक है। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर इन सब का मिक्सचर होता है, उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर इन सब का मिक्सचर होगा। मिक्सचर मतलब इन सबको एक के ऊपर एक रख के देख लो, तो इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, मिला जुला हुआ। निकाला कैसे जाता है, यहां पे काउंट करो कितने बॉन्ड है, दो बॉन्ड, यहां पे काउंट करो एक बॉन्ड, यहां पे काउंट करो एक बॉन्ड, टोटल तीन स्ट्रक्चर है, तो एवरेज मिल गया 4/3। 1 से ज्यादा है बट 2 से कम है, तो बॉन्ड यहां पे एक से ज्यादा बने हैं लेकिन 2 से कम बने हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड। ताकि CO2 नहीं है, ये CO3 है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की वजह से चार्ज आया है, इस पे 2- का चार्ज होता ही है, वो CO2 अलग है, CO3- आयन अलग है। ऐसे ही इस वाले के लिए देखो, एवरेज निकालना, देख लो इस वाले में काउंट करो, एक बॉन्ड यहां, दो बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, टोटल बॉन्ड अगेन, बॉन्ड का ऑर्डर या नंबर ऑफ बॉन्ड आ गया 1.33, 1 से ज्यादा 2 से कम। ऐसे तीसरे वाले के लिए भी 1 से ज्यादा 2 से कम, पार्शियल डबल बॉन्ड हो गए। चार्ज निकालना हो 0, -1, -1, टोटल चार्ज और टोटल कितने स्ट्रक्चर हैं, 3, -2/3, 0.66। तो चार्ज 0 और 1 के बीच में, इसलिए पार्शियल साइन। ऐसे इन दोनों एटम का भी चार्ज आ जाएगा पार्शियल। तो मॉलिक्यूल ना इस वाले स्ट्रक्चर में रहता है, ना इस वाले में, ना इस वाले में, वो हमेशा किस वाले स्ट्रक्चर में रहता है, हाइब्रिड वाले में। उसका पाई बॉन्ड लगातार मूव कर रहा है, या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पाई बॉन्ड के फॉर्म में मूव कर रहे होते हैं।
तो इसी चीज का एक नाम और आएगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइजेशन का मतलब जिसकी पोजीशन फिक्स ना हो, जैसे यहां पे पाई बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है, कभी वो यहां पे है, कभी मूव करके यहां आ गया, कभी मूव करके यहां आ गया। समझ में आई बात रेजोनेंस? तो इसको कहा जाता है रेजोनेंस। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो बताओ। रेजोनेंस का यूज ऑर्गेनिक में बहुत आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाते हैं, रेजोनेंस की वजह से चार्ज एटम्स के पे फैल जाता है, डिफ्यूज कर जाता है। और रेजोनेंस किस मॉलिक्यूल में होगा, किस में नहीं होगा, इसको तुम हाइब्रिडाइजेशन से समझ सकते हो। जहां भी पाई बॉन्ड के एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो वहां पे रेजोनेंस होगा। और जब ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं तुम्हें रेजोनेंस की कंडीशन बता दूंगा। नहीं, ये 11 में डिटेल में है चैप्टर, जो सेकंड लास्ट चैप्टर है 11 का, उसमें डिटेल में है। तुम लोग में से कुछ को याद होगा मैं कॉन्जुगेशन समझा रहा था, वो तुम लोग को अभी समझ में नहीं आया था, तो ऑर्गेनिक जब पढ़ूंगा तब कॉन्जुगेशन को समझा देंगे। देखो लक्ष्य, पहले चार्ज अगर तुम कैनोनिकल फॉर्म में देखोगे तो चार्ज दो एटम पे था, बट हाइब्रिड वाले में चार्ज तीन एटम पे आ गया। तो जो चार्ज दो एटम पे आना था वो तीन एटम में डिवाइड हो रहा है, तो ऑब्वियसली डिवाइड करने के लिए फैलाया गया होगा चार्ज को। इनको बोलते हैं कैनोनिकल या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो किसी भी कैनोनिकल में देखोगे तो चार्ज दो ही एटम पे था, जबकि हाइब्रिड या एक्चुअल में वो चार्ज तीन एटम पे आ गया। तो दो एटम के चार्ज पे, चार्ज को तीन एटम पे लाने के लिए चार्ज फैलाया गया होगा। जो भी पढ़ाएगा वो डिटेल में पढ़ाएगा, तो उस टाइम पे जो भी टीचर पढ़ा रहे होंगे वो डिटेल में बताएंगे। समझ में आई बात? देखो इसके स्ट्रक्चर पूछे थे की थी, ये भी तुम्हारे डाउट थे। वैलेंस थ्योरी से डायरेक्टली बना सकते हो, इनका लुविस स्ट्रक्चर पूछा था की थी ने। अंशुमान मैं तो कालू सराय सेंटर पे पढ़ाता हूं। अगर इनका देखो, इनका लुविस स्ट्रक्चर अलग बात है, HCl6 तो कुछ होता ही नहीं है। HCl6 अगर है तो उसका लुविस स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं। लुविस स्ट्रक्चर में पहले हम स्केलेटन बनाते हैं, फिर N1 N2 N3 निकालते हैं। हाँ लक्ष्य, अगर तुम इन पार्शियल नेगेटिव को ऐड करो, ये भी -2/3 है, ये भी -2/3 है, ये भी -2/3 है, इन तीनों चार्जेस को ऐड करोगे तो टोटल चार्ज अभी भी -2 आएगा। रेजोनेंस होने में स्केलेटन या टोटल चार्ज पे कोई भी चेंज नहीं आता है, सिर्फ बॉन्ड इधर उधर मूव हो रहे हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो एनसीईआरटी में एक ऐसा क्वेश्चन भी जहां पे दो स्ट्रक्चर दिए हैं, बताना है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है या नहीं है। N4 निकालोगे, NO2 और O3 का मुझे एक्चुअल स्ट्रक्चर बताना है, उसमें काफी सारी अच्छी बातें हैं। तो किसी को भी इनमें से कोई एन निकालने में या स्केलेटन में कोई डाउट हो तो बताओ। N4 N5 से हमें बॉन्ड पता चल जाते हैं, और N5 से हमें लोन इलेक्ट्रॉन,
तीन बॉन्ड, पहले सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो एक ही बॉन्ड लगा सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की कमी के लिए लोन इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन ने, दो बॉन्ड का मतलब चार इलेक्ट्रॉन मिल गए, आठ करने के लिए चार इलेक्ट्रॉन और। ऑक्सीजन ने तीन बॉन्ड बनाए हैं, इसका मतलब छह इलेक्ट्रॉन मिल गए, हर बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, आठ करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन ने दो एक बॉन्ड बनाया है, दो इलेक्ट्रॉन मिले, आठ करने के लिए छह इलेक्ट्रॉन, छह यहां दो यहां चार यहां, टोटल 12 लोन इलेक्ट्रॉन। इससे वेरीफाई कर लेते हैं। अगर HCl6 की बात करें, N1 O3 को तोड़ा था, किसने तोड़ा था? हाँ, O3 में एक सेंट्रल एटम चाहिए होगा ना हमें, एक सेंट्रल एटम हमेशा चाहिए होता, तो ऐसे मॉलिक्यूल को OO2 या II2 मान के करते हैं। O3 में भी रेजोनेंस होगा, पाई बॉन्ड इधर उधर शिफ्ट हो सकता है, O3 में भी एक रेजोनेंस हो जाएगा ये वाला, O3 में भी रेजोनेंस होगा पाई बॉन्ड का। अब ये देखो कि बॉन्ड हमारे पास चार आए, क्योंकि लुविस थ्योरी में ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। इसके पास आठ इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, बॉन्ड बना लिया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ऑक्सीजन के पास ऑर्बिटल चार ही होती है, तो चार ऑर्बिटल में मैक्सिमम वो आठ ही इलेक्ट्रॉन तो रख सकता है, चार ऑर्बिटल में मैक्सिमम वो आठ इलेक्ट्रॉन ही रख सकता है। इस वजह से ऑक्सीजन या कोई भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट आठ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन या एक्सपेंडेड ऑक्टेट नहीं शो करता है। O3 वाले केस में ऑक्सीजन अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता है, कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ऑक्सीजन में तुम्हें चार ऑर्बिटल दिखेंगी, 2s 2p, s में एक, p में तीन। सत्यम SF6 में भी यही बात होगी, क्लोरीन लो फ्लोरीन लो, N1 N2 N3 N4 N5 यही आएंगे, तो बनाएगा डेटिव बॉन्ड। ऑक्सीजन की कॉमन वैलेंसी होती है 2, बट ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन दो से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है, तीन तक बना लेता है, अनस्टेबल होता है बट बनाता है। HCl6 पे ध्यान दो कि हमारे पास चार ही बॉन्ड आए, तो चार बॉन्ड में हम इन दो एटम को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो जब नंबर ऑफ बॉन्ड कम आ जाते हैं इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के लिए लुविस थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है, ये लुविस थ्योरी का ड्रॉबैक है, सल्फर एक्सपेंडेड ऑक्टेट बनाता है, मॉलिक्यूल बनेगा बट वेस्पर थ्योरी से बनेगा या VBT से। तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर N4 N5 में प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब वो लुविस थ्योरी का एक्सेप्शन है। समझ में आया सबको? SF6 में भी यही बात आएगी, लुविस थ्योरी फॉलो नहीं होगी। O3 हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, O3 हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं, और लुविस थ्योरी में चार्जेस निकालने के लिए फॉर्मल चार्ज यूज किया जाता है, -2 है इसलिए दो इलेक्ट्रॉन। किसी भी n को निकालने में प्रॉब्लम आए तो बताना, किसी भी n वैल्यू को निकालने में अगर प्रॉब्लम आए तो बताना। क्योंकि ओजोन आर्टिफिशियली बनाने में बहुत सारे पैसे लगते हैं,
बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है। चार बॉन्ड, बाकी ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन। फॉर्मल चार्ज निकाल लेना, उससे तुम्हें चार्ज मिल जाएगा एटम्स का। ये सल्फेट आयन का हो गया, ठीक। स्केलेटन, देन N1, सिर्फ बॉन्ड से देखो स्टेबिलिटी के और भी फैक्टर होते हैं, सिर्फ बॉन्ड का बनना स्टेबिलिटी नहीं लाता है, और भी फैक्टर हैं जो स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। ओजोन यूवी रे को एब्जॉर्ब कर लेता है, अल्ट्रा वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। ओजोन जहां पे है वहां से ओजोन को लाना मुश्किल है, तो अगर हमें कभी ओजोन की जरूरत पड़ेगी लैब में तो हम उसे बनाते हैं। देखो पहले तो 3 बॉन्ड लगाए, पहले तो हमने 3 बॉन्ड बनाया। अब चौथा बॉन्ड बनाने में तुम्हें सोचना है कि सीएल पे बनाओ या ऑक्सीजन पे बनाओ। तो क्लोरीन की कॉमन वैलेंसी 1 होती है, ग्रुप 17 का है, तो अगर डबल बॉन्ड हम बनाना चाहें तो हमारे पास ऑक्सीजन ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है, इसलिए डबल बॉन्ड किस पे दिखाया, ऑक्सीजन पे, क्लोरीन पे नहीं दिखाएंगे, कि क्लोरीन नॉर्मल सिचुएशन में एक ही बॉन्ड बनाता है। ग्रुप 17 की कॉमन वैलेंसी से देखा ये, या इसके कॉन्फ़िगरेशन से भी देख सकते हो, जैसे हम हाइब्रिडाइजेशन में देखते हैं। एक ही ऑर्बिटल होगी जो बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल होगी। 6, 6, 12 और 4, 16 लोन इलेक्ट्रॉन, जैसा कि यहां पे आ रहा था। ये नंबर मैच कर जाए इसका मतलब स्ट्रक्चर सही है, ठीक है। क्या डाउट नहीं आया तुम उसमें, पहले की थी ना, स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, ये तुम्हारे ही डाउट थे। चार बॉन्ड और चारों बॉन्ड हो गए, तो अब डबल बॉन्ड नहीं लगाएंगे ऑक्सीजन। लोन पेयर, ये POCl3 का लुविस डॉट स्ट्रक्चर। क्रोमियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। N2 में यहां पे 5 एटम है और हर एटम को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। N2 हम निकालते हैं कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। 5 एटम है और हर एटम को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए 8 × 5 किया। जैसे यहां पे 5 एटम और उन 5 एटम में सबके लिए 8 इलेक्ट्रॉन। कोई हाइड्रोजन का एटम होता एक बॉन्ड पहले लगाया, 5 बॉन्ड लगाने तो कहीं भी एक जगह तुम डबल बॉन्ड दिखा सकते हो और फिर लोन इलेक्ट्रॉन। तो 6, 12, 18, 4, 22 यहां पे मैच नहीं कर रहा है। अच्छा 2 माइनस का चार्ज भी तो था, N1 मैंने गलत ले लिया। देखो मैच करने से पता चल जाता है कहीं गलती तो नहीं हो रही है। जैसे यहां पे मेरा मैच नहीं कर रहा था, 22 इलेक्ट्रॉन है, मेरा 20 आ रहा था क्योंकि मैंने ये 2 माइनस का चार्ज छोड़ दिया था।
फिर से बनाना पड़ेगा। रहेगा उसके से माइनस चार्ज आएगा, पारा सिर्फ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से -1 का फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। चार बॉन्ड है ना, सब में सिंगल बॉन्ड आएगा यहाँ पे। यहां भी जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से माइनस का चार्ज आ जाएगा। हाँ, N5 से लास्ट में वेरीफाई कर लेते हैं लोन पेयर काउंट करके, लोन इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके। ये देखो, ये O3 की एक्चुअल ज्योमेट्री होती है। जरूरी नहीं कि जो लुविस थ्योरी से स्ट्रक्चर आए वो एक्चुअल हो। लुविस थ्योरी सिर्फ ऑक्टेट को पूरा करती है, एक्चुअल स्ट्रक्चर हमेशा हम वेस्पर से निकालते हैं या VBT से। तो ओजोन में, लुविस थ्योरी में मैंने लीनिया दिखा दिया था, बट एक्चुअल में वो बेंट होता है, SP2 हाइब्रिडाइज्ड। वेस्पर से निकालोगे, SCl6 भी वेस्पर से बनाओगे तो ऑक्टाहेड्रल आ जाएगा। अब जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं वो ओरिजिनल या एक्चुअल स्ट्रक्चर है। लुविस थ्योरी से हमेशा जरूरी नहीं कि एक्चुअल स्ट्रक्चर मैच करे। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, सल्फेट का लुविस थ्योरी से जो स्ट्रक्चर आता है वो उसके एक्चुअल स्ट्रक्चर से काफी अलग है। सल्फेट में अभी तक डबल बॉन्ड नहीं आए थे, बट एक्चुअल स्ट्रक्चर में 2 डबल बॉन्ड होते हैं, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। बट लुविस थ्योरी में एक्सपेंडेड ऑक्टेट नहीं आता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये सल्फेट का एक्चुअल स्ट्रक्चर वेस्पर थ्योरी से। स्ट्रक्चर ठीक है, ज्योमेट्री गलत है। SP2 हाइब्रिडाइज्ड, COCl2, इसको हम फॉस्जीन कहते हैं, पॉइजनस गैस होती है। बॉन्ड सही आए थे बट एंगल्स वेस्पर से मिलेंगे। POCl3 में बॉन्ड भी गलत आया, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। वेस्पर थ्योरी से बनाओगे तो टेट्राहेड्रल आएगा, ऐसा एक डबल बॉन्ड हो, या हाइब्रिडाइजेशन से देखोगे। क्रोमेट आयन एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा होगा, देख रहे नीचे बना दो। सल्फेट की तरह यहां भी 2 डबल बॉन्ड आएंगे। तो जरूरी नहीं कि हमेशा जो स्ट्रक्चर तुम लुविस थ्योरी से निकालो वो सही हो या एक्चुअल हो, बट लुविस स्ट्रक्चर बनाने को आएगा तो यही वाला बनाओगे। तो हमेशा क्वेश्चन में ध्यान देना कि लुविस डॉट स्ट्रक्चर पूछा गया है या स्ट्रक्चर पूछा गया है। सिर्फ स्ट्रक्चर कहा जाएगा तो ओरिजिनल वाला बनाओगे। समझ में आ गई सबको बात? इन सारे स्ट्रक्चर में कोई डाउट हो तो बताओ। अगर इनमें से किसी भी स्ट्रक्चर में कोई डाउट हो तो बताओ। चलो, तो मैंने बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन शायद अभी तक नहीं सिखाया था, या बताया था? अगर कोई पूछे वाटर और SO2 में बॉन्ड एंगल कंपेयर करो, वॉटर और SO2 में बॉन्ड एंगल कंपेयर करो, दोनों में टोटल एटम 3 है, बॉन्ड एंगल मतलब एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स, अगल बगल के बॉन्ड्स के बीच का एंगल। तो देखो, जिस ऑर्डर में बताए जा रहे हैं पॉइंट उसी ऑर्डर में याद रखोगे। कीर्ति बताया तो सल्फेट आयन, कहां ध्यान है कीर्ति तुम्हारी, है तो सल्फेट आयन SO4 2 माइनस। देखो कीर्ति, सल्फेट आयन यहां पे बताया हुआ है। जितने तुमने लिखे थे टेलीग्राम पर सारे इंक्लूडेड हैं।
फिर भी अगर आज की क्लास में किसी का डाउट रह जाता तो हम इसकी एक और डाउट क्लास रख लेंगे। ऋतिक, ओरिजिनल स्ट्रक्चर वेस्पर थ्योरी या हाइब्रिडाइजेशन से बनाते हैं, एक्स निकाल के जो वी प्लस एम प्लस ए माइनस सी वाला बताया था। तो देखो पहला जो कंपैरिजन होगा वो इनकी ज्योमेट्री पे होगा। ये वाला टेट्राहेड्रल है और सल्फर डाइऑक्साइड वाला ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। डेफिनेटली कुछ लोन पेयर हैं इनमें क्योंकि सराउंडिंग एटम दो ही हैं। यहां भी एक लोन पेयर है, फिर डबल बॉन्ड, ये सब हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन पहले तुम ये देखोगे लोन पेयर और बॉन्ड वो सब बाद में देखा जाएगा, पहले तुम देखोगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो एंगल 109 के आसपास होगा। लोन पेयर की वजह से एंगल थोड़ा घट या बढ़ जाएगा लेकिन रहेगा इसके आसपास की वैल्यू, और ट्राइगोनल ज्योमेट्री में एंगल 120 डिग्री के आसपास की वैल्यू होगी। तो ज्योमेट्री पे ही अगर डिफरेंस मिल गया तो दिख रहा है कि इस ज्योमेट्री का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो जो पहला कंपैरिजन होगा वो हम ज्योमेट्री के बेसिस पर करेंगे, लोन पेयर बाद में देखे जाते हैं। तो SO2 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। अब कोई तुमसे कहे SO2 और SO3 का बॉन्ड एंगल बताओ किसका ज्यादा होगा, SO2 और SO3 में से किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? तो यहां पे दोनों की ज्योमेट्री sp2 वाली है। एक बार ज्योमेट्री हमें मिल गई तो दोनों की ज्योमेट्री इक्वल है। अब हम कंपैरिजन लोन पेयर पे करेंगे कि लोन पेयर क्या करता है, बॉन्ड्स को रिपेल करता है, यानी ये वाले बॉन्ड पास आ जाएंगे और ये पास आएंगे तो इनके बीच का एंगल कम हो जाएगा। तो लोन पेयर आएगा तो वो एंगल को घटाएगा, तो एंगल किसका ज्यादा होगा, SO3 का। जितने ज्यादा लोन पेयर आएंगे बॉन्ड एंगल उतना कम हो जाएगा। समझ में आई बात? तो SO3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो दूसरा कंपैरिजन होता है लोन पेयर पे। अगर ज्योमेट्री पे डिसाइड नहीं हो रहा तब करोगे, ज्योमेट्री पे डिसाइड हो रहा तो नहीं करेंगे। तीसरा अगर कोई तुमसे पूछे NH3 और NF3 में बताओ, हमें हमेशा वो बातें ढूंढनी होती हैं जो डिफरेंट है। बता रहे पूल बता रहे, आई थिंक ये थ्योरी में आखिरी बात है, हम फिर क्वेश्चन से। इन दोनों में अगर कहा जाए बॉन्ड एंगल कंपेयर करो, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा बताओ, NH3 या NF3? लक्ष्य बॉन्ड में हम बॉन्ड एंगल में, लक्ष्य बॉन्ड एंगल में हम बॉन्ड के बीच का एंगल देखते हैं ना कि बॉन्ड और लोन पेयर, दो बॉन्ड के बीच का एंगल देखा जाता है, बॉन्ड और लोन पेयर के बीच का एंगल नहीं देखेंगे। तो लोन पेयर और ओ के बीच का एंगल का कोई मतलब नहीं, और ये वाला जो लोन है एल ओ एन ई होता है, अलोन वाला। अगर कंपैरिजन लोन पेयर ज्योमेट्री पे नहीं हो पा रहा है तो हम कंपैरिजन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे करेंगे। N और H में किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है? अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी N की ज्यादा है यानी जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा
वो एन के ज्यादा क्लोज होगा इस वाले केस में, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा। NF3 के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F की ज्यादा है, तो NF3 में जो दोनों बॉन्ड है उनके इलेक्ट्रॉन F के ज्यादा क्लोज होंगे। समझ में आई ये बात? ये चीज समझ में आई? हमने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कैसे बताई, कौन सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्लोज है, कौन सा इलेक्ट्रॉन दूर है। अब खुद एक बार देख के बताओ, किस केस में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल करेंगे, किस केस में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज्यादा होगा, क्योंकि बाकी सब कुछ सेम है, ज्योमेट्री, लोन पेयर सब कुछ सेम है। तो यहां पे हम बॉन्ड पेयर से देखेंगे कि ये वाले दोनों बॉन्ड पेयर कंपैरेटिवली पास आ गए, ये वाले बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दूर है, तो कहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल करेंगे, यहां पे रिपल्शन ज्यादा होगा। रिपल्शन ज्यादा होगा तो ये बॉन्ड एक दूसरे को धक्का देंगे पीछे की तरफ, तो बॉन्ड का एंगल थोड़ा सा ओपन हो जाएगा। समझ में आई बात? रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड को पीछे की तरफ धक्का मिलेगा और बॉन्ड का एंगल थोड़ा सा ओपन हो जाएगा। तो अगर सब कुछ सेम है तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड का एंगल बढ़ जाएगा, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, जिस केस में सराउंडिंग एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो उस केस में बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से तुम ऐसे कंपेयर करोगे। और भी फैक्टर आते हैं लेकिन 11th लेवल पे तीन फैक्टर देखे जाएंगे। पहला कंपैरिजन ज्योमेट्री पे, दूसरा कंपैरिजन लोन पेयर पे और तीसरा कंपैरिजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। समझ में आ गई बात? ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में है, कर लोगे? NH3 और H2O दोनों की ज्योमेट्री सेम है बट फिर भी बॉन्ड एंगल वाटर का कम क्यों है, कर पाएंगे सब लोग ये क्वेश्चन? हाँ ऐसा तो होगा ही सत्यम। पूल देखो ये बताया था कि जो हम एक्स निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, वो बेसिकली सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर होता है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए तुम इस चीज को यूज करोगे, उसका स्ट्रक्चर बनाओ। ऑक्सीजन के लिए यहां पे लोन पेयर चाहिए। अब काउंट करो इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3 4, कोई लोन पेयर नहीं। इस कार्बन ने 1 2 3, कोई लोन पेयर नहीं। इस कार्बन ने 1 2 3 4, कोई लोन पेयर नहीं। तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन इस वाले कार्बन की हो गई sp3, इस वाले कार्बन की sp2, यहां पे x3 हो जाएगा और इस वाले कार्बन की sp3। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन सारे एटम्स की निकाली जाती है और उसके लिए फॉर्मूला नहीं लगाते, स्ट्रक्चर बना के निकालते हैं, जैसा स्ट्रक्चर बनाना तुमने 10th में सीखा है, और नहीं सीखा तो ऑर्गेनिक में सीख जाओगे। ऑक्सीजन की भी निकालना चाहो तो 1 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर। तो इस वाले ऑक्सीजन की भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। समझ में आई बात? वैसे ही पूल तुम C2H2 की हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। इस वाले कार्बन ने 1 और 1 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए। ऋतिक बस हमने ये काउंट किया कि कोई भी एटम टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड और टोटल कितने लोन पेयर शो कर रहा है। तो 1 2 3 और 4, 4 सिग्मा बॉन्ड थे, कोई लोन पेयर नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन 4 के अकॉर्डिंग यानी sp3। तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करके हाइब्रिडाइजेशन निकाल देते हैं।
समझ में आई बात? पूल्स भी उसमें टाइम लगेगा, उसको अगले डिस्कशन में समझा दूंगा। C2H2 का जो स्ट्रक्चर तुम कह रहे हो, पाई क्लाउड दिखाना सिलेंड्रिकल शेप में, उसको अगली क्लास में समझा दूंगा, अगले डिस्कशन में। अभी टाइम बचेगा तो आज बता दूंगा। ये वाला क्वेश्चन कर लोगे सब लोग? SO3, NO2 और NO3 माइनस के रेजोनेंस स्ट्रक्चर। हाँ मैं कह रहा हूँ NCERT में है, कोई बहुत उसमें बड़ी बात भी नहीं है, बस टाइम लग जाएगा अभी थोड़ा सा, समझा दूंगा, कहीं बचेगा नहीं वो टॉपिक। क्योंकि C2H2 के लिए मुझे पहले बाकी बच्चों को C2H4 बताना पड़ेगा। इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लोगे? NO2 के लिए ध्यान रखना, NO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। हाँ NO2 लाओ, भी बता दूं आज। सॉरी, एक्स निकालो 2.5, तो 2.5 में हम ढाई ऑर्बिटल तो ले नहीं सकते हैं, तो हम लेंगे यहां पे तीन ऑर्बिटल, क्योंकि यहां पे हम क्या मान के चल रहे हैं, तीन मान के चल रहे हैं। ठीक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें दो चाहिए थे, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भी, ध्यान देना सब लोग। NO2 में 2.5 से हम नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम 3 से बना रहे हैं। तीन ऑर्बिटल बॉक्स में किए, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए थे और दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एक्साइटेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली मिक्सिंग। ठीक, SP2 हाइब्रिडाइजेशन, N ये बन गया 120 डिग्री एंगल, सबको क्लियर? अब ये समझो कि एन के पास एक खाली ऑर्बिटल कोई नहीं है, सारी ऑर्बिटल भरी हुई है, तो ऑक्सीजन है। देखो क्योंकि यहां पे फ्रैक्शन में आया तो थोड़ी बहुत चीजें अलग होंगी नॉर्मल से। ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, या ऑक्सीजन को दो बॉन्ड बनाने हैं। चलो मान लिया एक ऑक्सीजन ने बॉन्ड यहां से बना भी लिया, क्या इसके दूसरे इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई कर पाएंगे? क्योंकि कोई नेगेटिव चार्ज, कोई पॉजिटिव चार्ज, कुछ नहीं है, तो NO2 के केस में दोनों ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड बनाने में मुश्किल आएगी, नहीं बन सकता है। समझ में आ रही बात सबको? NO2 के केस में ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड नहीं बन पाएगा। एक मिनट, मैंने इलेक्ट्रॉन कम लिए, एक बन जाएगा, एक मिनट वेट करना, मैंने इसका थोड़ा डिस्कशन गलत डायरेक्शन में ले लिया। देखो NO2 एक बार फिर से समझाना पड़ेगा, कार्बन से ले गया था मैं से, 2S2, 2P3, एक्स आया 2.5, 3 माना, तीन ऑर्बिटल बॉक्स में, एन तीन इलेक्ट्रॉन और एक पी ऑर्बिटल बचेगी। एक ऑक्सीजन का तो पाई बॉन्ड बन गया, यहां तक तो बन जाता है NO2 में। लेकिन अब जो दूसरा ऑक्सीजन आएगा उसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि दूसरे ऑक्सीजन में पी में हमारे पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और दूसरे ऑक्सीजन के लिए इसके पास अब कोई भी पाई बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी नहीं बची। एक पाई बॉन्ड बन गया क्योंकि एक ऑर्बिटल बची हुई थी, बट दूसरे ऑक्सीजन के लिए इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली ऑर्बिटल नहीं है जो पाई बॉन्ड बना सके, ना ही कोई खाली ऑर्बिटल है, तो इसलिए यहां पे ये जो फ्रैक्शन है इसकी वजह से यहां पे थोड़ी सी जुगाड़बाजी होती है, या ये नॉर्मल तरीकों से अलग है।
अब बताओ यहां तक की बात समझ में आ रही है, डबल बॉन्ड बनने तक की बात? सबको ये डबल बॉन्ड बनने की बात समझ में आ रही है? फटाफट बताओ, डबल बॉन्ड बनने में या पी ऑर्बिटल बची नहीं है या पाई बॉन्ड नहीं बन पाएगा बॉय, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है कि यहां पे एक और पाई बॉन्ड नहीं बन पाएगा? ठीक है, अब ये समझो कि ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन 8 करने हैं बट नाइट्रोजन नहीं करवा सकता है, तो यहां पे होता क्या है कि ऑक्सीजन खुद ही अपने एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देता है। क्योंकि नाइट्रोजन उसकी दोनों ऑर्बिटल में पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो ऑक्सीजन यहां पे खुद ही अपने एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा लेता है। तो जहां भी फ्रैक्शन में आता है वहां पे एक्साइटेशन का उल्टा होता है। एक्साइटेशन में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, लेकिन जहां पे फ्रैक्शन में आ जाता है वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर अप होने लग जाते हैं, रिवर्स ऑफ एक्साइटेशन। अब ऑक्सीजन के पास एक खाली ऑर्बिटल बची और एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, बाकी सब में तो दो इलेक्ट्रॉन थे ही। ये बात समझ में आई? ये यहां पे नॉर्मल चीजों से अलग है, इसी फ्रैक्शन की वजह से ऐसा आया। अब खाली ऑर्बिटल बॉन्ड बनाती है भरी हुई ऑर्बिटल के साथ, वो भी डेटिव बॉन्ड। खाली ऑर्बिटल का जो बॉन्ड बनेगा वो भरी हुई ऑर्बिटल के साथ बन सकता है, और वो भी कैसा बनेगा? डेटिव बॉन्ड। तो ऑक्सीजन की खाली ऑर्बिटल इस वाली ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगी और भरी ऑर्बिटल एज इट इज है। इसी वजह से जब NO2 का स्ट्रक्चर बनाया था तो ऐसे एक एरो दिखाया जाता है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास बचता है, ये वाला। फ्रैक्शन में बताया भी था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है, तो ये NO2 का एक्चुअल स्ट्रक्चर था जहां पे ये डेटिव बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आई बात? और क्योंकि दोनों एटम ऑक्सीजन है तो ये काम दोनों के साथ हो सकता है कि ये वाला ऑक्सीजन आके पहले पाई बॉन्ड बना ले और फिर दूसरा ऑक्सीजन आके डेटिव बॉन्ड बना ले। और देखो इसके पास चार इलेक्ट्रॉन तो थे और दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, आठ इलेक्ट्रॉन हो भी गए, तो इसलिए सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन लोन पेयर, एक ये वाला जो नया आया, दो पुराने वाले। पेयरिंग वो करेगा जो खाली बचा, जिसके पास ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जिसके पास ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं एंड में वो पेयरिंग करवाता है, जैसे यहां पे ऑक्सीजन ने करवाई पेयरिंग। पेयरिंग वो करेगा जिसके पास ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। समझ में आया NO2 का स्ट्रक्चर? ओजोन का जब ट्राई करोगे ना तो ओजोन में भी तुम्हें यही प्रॉब्लम मिलेगी। ओजोन में भी एक बॉन्ड इसीलिए डेटिव होता है। रिपीट कर दूं या ओजोन का समझा दूं? NO2 वाला ही रिपीट करूं या ओजोन वाला समझा दूं? बताओ जल्दी, कोई एक ही हो पाएगा मुझे लग रहा है आज। तो NO2 वाला रिपीट करूं या ओजोन वाला समझा दूं? देखो पूल, बताता हूं ओजोन वाला ही बताता हूं। थ्री आया तो तीन ऑर्बिटल की मिक्सिंग कराई, कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने की जरूरत नहीं थी बिकॉज दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, पेयर्ड अनपेयर्ड अनपेयर्ड पी।
एन के पास लोन पेयर, इधर दिखाते हैं नीचे, लोन पेयर और दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। ऑक्सीजन जब आता है तो वो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके आता है, तो एक ऑक्सीजन एटम आया, उसने इसके साथ बना लिया नॉर्मल वाला सिग्मा बॉन्ड, और इसी की दूसरी ऑर्बिटल ने इसकी बची हुई पी ऑर्बिटल के साथ बना लिया डबल बॉन्ड। इतना काम हुआ, एक तो यहां तक का पोर्शन बन गया, ठीक है पूल। अब दूसरे वाले ऑक्सीजन को एक ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, जबकि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसे दो बॉन्ड बनाने की जरूरत है, बट यहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो ये क्या करता है, अपने आप में ही इलेक्ट्रॉन को एक्साइट डी एक्साइट करवा लेता है रिवर्स। इसने एक इलेक्ट्रॉन को तो अपने आप ही पेयरिंग करा दी और एक ऑर्बिटल खाली कर ली अपनी, ठीक है, क्योंकि इस ऑक्सीजन को दो बॉन्ड बनाने थे, बट यहां पे बॉन्ड एक ही बन पाएगा, दूसरा बन नहीं सकता है, कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है। तो इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन की एक खुद ही पेयरिंग करा ली, खाली ऑर्बिटल जब भी बॉन्ड बनाएगी भरी हुई ऑर्बिटल के साथ बनाएगी, तो इसलिए जो दूसरा बॉन्ड बना वो कोऑर्डिनेट नेचर, ये हुआ है NO2 का, समझे, समझ में आ गया NO2। O3 हो गया हमारा, OO2 फ्रैक्शन नहीं आया, नहीं सत्यम बस डी एक्साइट बोल दिया रिवर्स ऑफ एक्साइटेशन को, सिर्फ रिवर्स ऑफ एक्साइटेशन को डी एक्साइट बोल दिया। अब यहां पे देखो कि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, और यहां पे तुम्हें अभी एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेगा, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को आगे तो भेजना है, एक्साइटेशन कराना पड़ेगा, लेकिन यहां पे कोई डी ऑर्बिटल तो होती नहीं है, सेकेंड शेल है, क्योंकि ये अगर सेकेंड शेल है तो कोई डी ऑर्बिटल होगी नहीं, 2s और 2p में ही काम चलाना है, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा से ज्यादा डब्बे से बाहर भेजा जा सकता है। तो यहां भी देखो तो एक प्रॉब्लम आई कि एक्साइटेशन के बाद भी अनपेयरिंग नहीं हो पा रही है, तीन हमें ऑर्बिटल मिल गई, ये फ्रैक्शन तो नहीं आया, बट प्रॉब्लम ये आई कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ वो कहीं और जाके पेयर्ड हो गया, खाली ऑर्बिटल मिली नहीं उसे। अब ये देखो कि जो ऑर्बिटल मिक्स हो रही है, वो ऐसी है, ठीक है, इनसे बॉन्ड बनाने भी, ठीक है अंशुमान, इनसे बॉन्ड बनाने भी ऑक्सीजन आ रहा है, बताओ क्या दोनों में से किसी भी ऑक्सीजन एटम को दूसरे बॉन्ड के लिए पाई ऑर्बिटल मिल पाएगी, दोनों में से कोई भी ऑक्सीजन एटम दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए पाई ऑर्बिटल ले पाएगा, ये पेयरिंग हो गई सपोज, ये वाला बॉन्ड बन गया, इसका क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा, सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, पेयर्ड और एक इलेक्ट्रॉन मिलके तीन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, समझ में आ रही बात, तो ओजोन में इस वाले स्ट्रक्चर से कुछ भी नहीं हो सकता है, मॉलिक्यूल बन ही नहीं पाएगा। यहां भी यही प्रॉब्लम आई, इसलिए यहां थोड़ा नॉर्मल से अलग अलग, ये कि इस इलेक्ट्रॉन को आगे ना भेजा जाए, क्योंकि उससे हम स्ट्रक्चर नहीं बना पाए, तो अलग ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन आगे ना भेजा जाए। अब सिचुएशन देखो, अगर इलेक्ट्रॉन आगे नहीं भेजोगे ये सिचुएशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन
और एक पी ऑर्बिटल खाली बच गई, मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ। एक ऑक्सीजन आया, उसने सिग्मा बॉन्ड भी बनाया, उसने पाई बॉन्ड भी बनाया। एक ऑक्सीजन का काम तो हो गया। दूसरा ऑक्सीजन क्या करेगा, जो यहां खड़े होकर देख रहा है, दो इलेक्ट्रॉन लिए, वही काम जो NO2 में किया था, क्योंकि अब इसके पास वही ऑर्बिटल हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, और भरी हुई ऑर्बिटल से बॉन्ड खाली ऑर्बिटल बना सकती है। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक जगह पेयरिंग करवा दी। यहां आ गई खाली ऑर्बिटल। अब खाली ऑर्बिटल भरी हुई ऑर्बिटल से डेटिव बॉन्ड बना सकती है। समझ में आई ये बात? बिल्कुल वैसे ही जैसे NO2 में बना था। ये हो गया ओजोन का मॉलिक्यूल। तो जहां भी डेटिव बॉन्ड आ रहा है वहां पे तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा मिल सकता है, डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसीलिए मॉलिक्यूल उस टाइम हाइब्रिडाइजेशन में छुड़वाए थे, क्योंकि तब तक कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाया नहीं था। हाँ, उसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इस वाले को ले के बना लो। ये खाली नहीं है, ये पूरी एक ऑर्बिटल है, ये पूरी की पूरी पी ऑर्बिटल है, ये खाली नहीं है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ऊपर वाले लोन पेयर को ले सकते हो और लेफ्ट वाले लोन पेयर को ले सकते हो। निदा यहां कैसे? सबको समझ में आ गया ओजोन? तो ओजोन में हमारे पास NO2 की तरह यहां भी डेटिव बॉन्ड बनेगा, केमिकल बॉन्डिंग। निदा, वो भी उसका डिस्कशन चल रहा है, एनसीईआरटी का डिस्कशन। तो देखो इसमें क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड किए थे, इनमें से कोई क्वेश्चन बताने लायक लग रहा हो तो बताओ। जैसे चलो इसका एक पोर्शन करवा देता हूं, कौन सा करवाऊं इसमें तो बताओ, कौन सा पार्ट करा दूं? अरे ज्ञान तो मैं ऑलरेडी मिला हुआ है निदा, ये सब 11 के मासूम बच्चे हैं। इन लोगों को थोड़ा ज्ञान तुम दे दो कि इन्हें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। देखा, टाइम इन्हें याद रहता है कि 2 मिनट बचे हैं। इनमें से कौन सा एक स्ट्रक्चर बता दूं, ABCDE में से? डी वाला। चलो, जिसने पहले बताया उसकी बात मान ली गई। CHO यानी कार्बन डबल बॉन्ड ओ एल्डिहाइड ग्रुप। चार सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, कोई लोन पेयर नहीं होगा, यहां पे आएगा लोन पेयर। अरे क्यों गलत इंफॉर्मेशन दे रही हो? धोखा मिलता है। sp3 sp2 ना समझ में आया तो बताना। ऐसे इसका भी sp3 sp2 डायरेक्टली काउंट किया, लोन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन। लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड, उससे हाइब्रिडाइजेशन। एसिटिक एसिड लास्ट वाला था और ये वाला हमारा डी वाला था, एसिटल्डिहाइड। चलो फिर अंशल, ये ड्रॉपर की बच्ची है। चलो फिर देखना यहां तक। अगर केमिकल बॉन्डिंग में अभी भी कोई डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप पे भेजना, एटॉमिक का कोई डाउट हो तो भेज देना ग्रुप पे, क्योंकि अगला डिस्कशन मैं एटॉमिक का रखूंगा। डाउट तुम लोग भेजोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, अपने आप से मैं डाउट लूंगा तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कौन सा क्वेश्चन तुम्हारा छूटा, कौन सा क्वेश्चन हो गया। अगली क्लास में अपने मोल कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है?
चलो फिर अगली क्लास में मिलते हैं। ओके बेटा, बाय बाय, हैव अ गुड डे। नहीं, डिस्कशन क्लास थी, चैप्टर तो अभी बहुत पहले खत्म हो गया था, 2 हफ्ते हो गए। ओके बेटा, वेरी गुड, कल से क्रैश में भी स्टार्ट कर दूंगा। चलो फिर बेटा, ओके बाय बाय।